आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला के घर पर ईडी का छापा जो है वो हुआ है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार हैं दीपक सिंगला। 2020 में विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे। गोवा के आम आदमी पार्टी प्रभारी और एमसीडी के सह प्रभारी हैं सिंगला। शरद हमारे स्विगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आप शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है या किसी और मामले में यहाँ पर छापेमारी हो रही है? देखिए, ये अभी ताबिश पता नहीं चल पाया है। ईडी की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या ये कथित शराब घोटाले जुड़ा मामला है या फिर कुछ और है। अगर ये कथित शराब घोटाले जुड़ा मामला है तो इसमें ये महत्वपूर्ण है कि गोवा के प्रभारी रह चुके हैं दीपक सिंगला, और ईडी का आरोप है कि गोवा में जो आम आदमी पार्टी को जो कथित रूप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, उसमें 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च किया गया। तो उनका गोवा का प्रभारी होना, उस एंगल से ऐसा लगता है कि कहीं उस मामले में तो रेड नहीं की गई है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी चल रही है कि दीपक सिंगला के ऊपर एक पहले से एक मामला दर्ज था, जो बताया जाता है कि जो बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ एक मामला है। कहीं ये रेड उस मामले में तो ईडी ने नहीं किया। इसमें ये बताया जा रहा था कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी, संभवतः वो मामला ईडी को दे दिया गया हो, इसलिए ईडी ने रेड की है। तो अभी हमें इंतजार करना होगा कि ये किस मामले में हुई है, लेकिन ईडी की रेड है ये कंफर्म है। और सुबह लगभग 7-7:30 बजे से दीपक सिंगला के घर पर ये रेड चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं दीपक सिंगला। तो ये दीपक सिंगला घर पर ही मौजूद है शरद? सिर्फ घर पर रेड हो रही है और कुछ जगहों पर भी है? देखिए, अभी तो घर की ही जानकारी है दीपक सिंगला की, लेकिन कारोबारी व्यक्ति हैं और मिठाई की दुकान का इनका बिजनेस है, मिठाई का काम है इनका। पूर्वी दिल्ली में और गाजियाबाद में एक नामी व्यक्ति हैं दीपक सिंगला। तो अभी ये बताया जा रहा है कि जब रेड हुई है तो वो घर पर ही मौजूद हैं। तो अभी उनके एक जो पूर्वी दिल्ली का जो उनका घर है योजना विहार में, वहीं की जानकारी है कि वहां पर ये रेड चल रही है। कुछ देर में जब ईडी और जानकारी देगी तब और स्थिति साफ होगी कि किस मामले में है और कितने ठिकानों पर ये रेड हो रही है।